बागमारा के महुदा स्थित न्यू कॉलोनी में 53 वर्षीय भदानी दास नामक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई। बताया जाता है कि करीब एक सप्ताह पूर्व उक्त व्यक्ति को बुखार आया था। परिजनों ने इसे इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया था। जांच से पता चला कि उसे डेंगू है। कुछ दिन इलाज के बाद उक्त व्यक्ति हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई जितेंद्र दास ने बताया कि डेंगू होने के बाद संक्रमण के कारण उनके भीतरी अंगों को भी नुकसान हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई। खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र का मुआयना किया तथा साफ सफाई एवं दवा छिड़काव की बात कही। मामले पर डॉक्टर नीरज जोजो ने जल जमाव और गंदगी से दूर रहने की भी हिदायत दी है, ताकि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। वहीं जिले में टीम भी मौके पर पहुंची और इलाके में छिड़काव का काम शुरू कर दिया। जिले के मलेरिया निरीक्षक उत्तम सिन्हा ने बताया कि जांच की जा रही है, बचाव के कड़े कदम उठाए जाएंगे। जी, क्या मामला है सर, बताइए। आज सुबह सुबह हमें सूचना मिली कि महुदा के लाल बंगला एरिया में डेंगू बीमारी से मौत की खबर आई। तो हमारी टीम जिला से आई और CSC बागमारा की भी टीम यहाँ आई, और दोनों जन मिलकर हम लोग जब यहाँ बातचीत करने लगे परिवार पीड़ित परिवार से, तो उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले फीवर हुआ था और उनको लेकर पेशेंट को लेकर ये लोग पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम गए थे। लेकिन इसके पहले जहाँ ये काम करते थे कपूरिया में, वहाँ पर उसके एक सप्ताह पहले वो गिर गए थे काम वर्क प्लेस में जहाँ काम करते थे। तो उनको फिर जाकर घर में उनको थोड़ा उपचार के बाद उसके बाद उनको ले जाया गया पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम में। अभी इनसे चूँकि परिवार के सारे लोग अभी क्रियाक्रम में गए हुए हैं, तो कागज़ मांगने पर अभी इन लोग कागज़ उपलब्ध नहीं करा पाए, जिससे हमारा जो जांच का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अभी ये है। सर, हम लोगों ने देखा है जो रिम्स का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है डेंगू फीवर, क्लियर कट हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपके जांच में इनको डेंगू अगर पाया जाता है तो इस पर फिर आगे की क्या कार्रवाई? हम लोग कागज़ देख लेना चाहेंगे, पहले पूरी तरह से कागज़ अभी देखे नहीं है। इनके पास जो भी कागज़ है वो सारे कागज़ को हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद एक्चुअली हो क्या रहा है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में NS1 किट से जाँच हो रही है, और देखना पड़ेगा वो कि रिम्स के पेपर में कौन सा ये जाँच का वो किया गया है, तो उसके आधार पर ही हम लोग उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो निरोधात्मक कार्य है और जो भी ब्लड सैंपलिंग का काम है, या इनके घर में भी कोई फीवर केसेस अगर ऐसा मिलता है, तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और उनका आगे की प्रक्रिया की। इसमें सर मुआवजे का भी कोई प्रक्रिया है? क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ उत्तम कुमार सिन्हा, मलेरिया निरीक्षक, और हमारे साथ हैं राजेश निषाद जो कि मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर हैं बागमारा से। क्या मामला बताइए। तो मामला है, मैं जितेंद्र कुमार दास, मेरे बड़े भाई भवानी दास को डेंगू का प्रॉब्लम हो गया था, जिससे मैं पाटलिपुत्र में एडमिट किया। पाटलिपुत्र नर्सिंग होम ने रिम्स रेफर किया, रिम्स में ले जाकर इलाज करते करते उसका डेंगू से जॉन्डिस से लीवर में थोड़ा ये इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया। तो उनको डेंगू है ये डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर ने बताया। कहाँ के डॉक्टर ने बताया? रांची रिम्स के और पाटलिपुत्र दोनों ने बताया। कितने दिन पहले इनको ये प्रॉब्लम हुआ था? यही लगभग 8-9 दिन पहले। कितनी उम्र थी इनकी? 53। अभी आप लोगों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया है। पीछे घर के पीछे की तरफ जल जमाव सब है, जहाँ नित्य काम सब कपड़ा धोना बर्तन धोना सब होता है, लेकिन अभी चूँकि बरसात का जैसा मौसम है तो ये सप्ताह में इसको ब्लीचिंग से सफाई और पानी का हौदा जो है उसका बढ़िया से सफाई होना चाहिए, और मच्छर के लिए यहाँ पर साफ सफाई छिड़का। कहीं कुछ लार्वा मिला क्या? होना चाहिए, लार्वा तो अभी नहीं दिखा है ना, लेकिन अपने तरफ से वो सब साफ थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर के साथ
थोड़ा साफ सफाई करना चाहिए। बाकी यह तो अब जैसे यहाँ पर ये वाला है गौशाला वाला है, ये तो हमेशा ही गीला रहने वाला है। गाय का वहाँ देखिए पेशाब वगैरह सब है, गोबर है ना।